भीड़ पड़ी भारी जब तेरे गोकुल पे, भीड़ पड़ी भारी धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी धर लिया गो गिरधारी, हो गया गिरधारी। तुझको पुकार रहे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार यार के लिए। ये बाहर की आंख बंद हुई, रोम रोम की आंख खुल गई। अब बिल्व मंगल का रोम रोम उत्कंठित है कृष्ण के दर्शन की लालसा से। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे कदा तवालोकनन्तरेण अनाथ बंधो करुणेक सिंधो हाहंत हाहंत कथम नया मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। हमारे वृंदावन के एक महान संत विभूति स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु थे, सूरदास। वृंदावन से गंगोत्री तक की यात्रा की 7 बार अकेले एक लाठी लेकर चलते थे, 7 बार। एक बार ऋषिकेश में संध्या समय भ्रमण कर रहे थे, कोई निज जन साथ में था, बोले बाबा आपने 7 बार ऐसी कठिन यात्रा की अकेले, किसी को साथ नहीं लिया, आप कहीं गिर जाते तो? बाबा मुस्कुरा दिए। उसने फिर पुनः वही प्रश्न किया, बोले बाबा आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोले बेटा निकट में कोई गहरी खाई आए तो मुझे बताना। खाई आई, उस युवक ने कहा, बोले बाबा यहां निकट ही खाई है। बोले अच्छा मुझे धक्का दो। बोले बाबा ये नहीं कर सकता मैं, हमारी आज्ञा है। बोले नहीं बाबा ये नहीं कर सकता, हमारी आज्ञा की अवहेलना करोगे नर्क में पड़ोगे। बोले महाराज मैं 100 बार पढ़ने को तैयार हूं लेकिन ये नहीं कर सकता, आपको कैसे धक्का दे दूं, अपने हाथ से आपको कैसे गिरा दूं। उसके कंधे पर हाथ रखा, महाराज मुस्कुराने लगे, बोले तेरे जैसा एक उदार व्यक्ति मुझे नहीं गिरने देता तो मेरा ठाकुर मुझे कैसे गिरा देगा, मैं उसका सहारा लेकर निकला हूं, उसके होते मैं कैसे गिर जाऊंगा। कौन मिटाए उसे जिसको राग पिया, कौन मिटाए उसे जिसको
दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लारा राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया कि आप लोग जब मेरे साथ मिलकर इस भाव से मेरे प्रभु को पुकारते हैं, आपकी इसी पुकार को सुनने का लोभ मुझे ले आता है पुनः पुनः आपके बीच में। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से सब लोग, तुझको पुकार दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। That's why every day I start from here. ये जितनी भी कथा, ये जितनी भी वार्ता, ये जितनी भी चर्चा, ये जो भी साधन है, इसके पीछे केवल एकमात्र मेरा उद्देश्य है, मैं आपको आपकी समर्थ से परिचित करा दूं। आप भूल गए हैं कि वो आपके भी उतने ही हैं जितने तुलसी के, जितने सूर के, जितने मीरा के, जितने रैदास के। श्री गीता जी में भगवान का वाक्य है, भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति, संसार के आश्रय से रहित भाव। संसार का आश्रय वस्तुतः आश्रय नहीं, संसार का आश्रय वस्तुतः दुर्बलता है। मैंने कल भी निवेदन किया, जितना जीवन में संसार का पदार्थ अधिक होगा, आप उतने व्यथित रहेंगे, आप उतने विचलित रहेंगे। और जितना जीवन में संसार के पदार्थ का, संसार के व्यक्ति और वस्तु का आश्रय अधिक होगा, आप उतने अधिक भयभीत रहेंगे, आप उतने भयभीत रहेंगे। और बाहर की आंख बंद करके यदि आपने जीवन में यह कला सीखी है, यदि स्वयं से परिचय आपका कुछ है, या आप ये कला जानते हैं अपने निकट जाने की, आप जाएंगे तो पाएंगे कि मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूं। संसार का आश्रय आपको दुर्बल करता है। संग सखा सब तज गए और कोई न निवयो साथ, क
कहे नानक इह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। द्रौपदी की पीड़ा तब तक थी जब तक द्रौपदी संसार की ओर ताकती रही। जब तक द्रौपदी ने संसार की ओर देखा, हृदय तप्त रहा, दग्ध रहा, संतप्त था, पीड़ा, प्रताड़ना, तिरस्कार, वो लज्जित सी याज्ञसेनी, वो पीड़ित सी, वो निस्सहाय असहाय, किसकी सभा में? गंगा पुत्र भीष्म, सव्यसाची धर्मराज, वायुपुत्र भीम, वो अद्भुत सामर्थ्य रखने वाले पांडव, धर्म का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले विदुर, अर्जुन को सव्यसाची बनाने वाले गुरु द्रोण, जब तक उनकी ओर देखती रही तब तक असहाय रही, तब तक दुर्बल रही, आंख बंद की, मुख से उच्चारण किया, हे द्वारिकाधीश मेरी लज्जा रखिए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल राधा झुक सांवरिया, ब्रिज के नंदलाल राधा झुक सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, दुख दूर हुए जब तेरा नाम। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे कदा तवालोकनंतरे। बिल्व मंगल का रोम रोम गा रहा था, हरि जी मोहे कब्र मिलोगे आए नाथ, मोहे कब्र मिलोगे आए, हरि जी मोहे कब्र मिलोगे आए, हरि जी मोहे कब्र मिलोगे आए, नाथ मोहे कब्र मिलोगे आए, नाथ मोहे कब्र मिलोगे आए, हरि जी मोहे कब्र। पिपासा उत्कट हुई। जो व्यक्ति कहता है ना कि संसार में भी मन नहीं जाता, भजन में भी मन नहीं लगता, माने उसे भजन की इच्छा तो है लेकिन भजन की तड़प नहीं है। इच्छा और तड़प, तड़प इच्छा का ही परिष्कृत रूप है, इज द एडवांस स्टेज। अपनी इच्छा को तड़प बनाइए। इच्छा का बीज सत्य से, चित्त से, आनंद से मिलने की इच्छा का बीज आपके मेरे सबके हृदय में है। कौन है जो सुख नहीं चाहता? कौन है जो आनंद नहीं चाहता? कौन है जिसे जिसे आत्मा का सुख नहीं चाहिए? ये इच्छा का बीज सबके हृदय में है। थोड़ा सा भजन, थोड़ी सी कथावार्ता, थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ी सी संत सेवा, थोड़ा सा भगवत स्मरण, थोड़ी सी साधु सेवा, इन सब साधनों से इच्छा को तड़प बनाइए। और जब जब कोई तरसता है फिर वो घनश्याम बरसता है। भटक रहे थे बिल्व मंगल, करुणा निधान के रहते कोई कैसे भूले, कैसे भटके, विगलित हो गया चित्त प्रभु का, आ गए निकट, पुकारा, बोले बाबा तू तो वे दो तीन दिन को भूखो से लग रहे हो, कछु खाएगो? प्रभु की वो वीणा विनिंदक, मन प्राणों को झनकृत कर देने वाली वाणी कान से
हृदय में गई। बिल्व मंगल का रोम रोम आनंदित हो गया, तृप्त हो गए बिल्व मंगल केवल सुनकर। भूख तो लगी थी, थोड़ा सा भात प्रभु ने खिलाया, बड़ा अद्भुत स्वाद। तुम्हारा क्या नाम है? प्रभु ने कहा कोई विशेष नाम नहीं है, ग्वाला हूं, गैया चराता हूं, जो जिस नाम से पुकारता है मैं उत्तर दे देता हूं, कोई विशेष नाम मेरा नहीं है। चलते चलते प्रभु ने कह दिया, बोले बाबा चिंता मत करना, मैं कल भी आके भोजन करा जाऊंगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, कब तक बिल्व मंगल वहन करते इस आनंद को, कब तक धारण करते? प्रभु ने देखा कि अब पात्र तैयार है। यद्यपि भगवान भक्त की परीक्षा लेते नहीं, परीक्षा वो लेता है जो अनजान हो। परीक्षा योग्यता को मापने के लिए, आंकने के लिए ली जाती है। योग्यता को देने वाले को परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? ये परीक्षा नहीं है, ये भजन का साधन का आनंद है। क्योंकि प्रभु से मिलन की इच्छा में भी एक विलक्षण आनंद है, प्रभु से मिलन की लालसा में भी एक विचित्र से आनंद की अनुभूति है। उस आनंद की अनुभूति से भक्त वंचित न रह जाए, या फिर सीधे शब्दों में आपको भूख ना हो और आपके सामने शटरस व्यंजन रखे हों, आप पा भी लें लेकिन उन व्यंजनों का आस्वादन नहीं होगा यदि भूख नहीं है, क्षुधा नहीं है। तीव्र क्षुधा भोजन के आस्वादन के लिए आवश्यक है। तो भक्त को मेरे मिलन का आस्वादन अनंत गुना होकर मिले, इसलिए प्रभु जीवन में थोड़ा सा विरह देते हैं, इसलिए प्रभु अपने स्वरूप के आगे थोड़ा आवरण डाल देते हैं, पिपासा बढ़ाने के लिए, लालसा जगाने के लिए, मिलन के क्षुधा को तीव्र करने के लिए। और एक और बात, उत्तम खाद्य पदार्थ, शुद्ध घी से बना अगर कोई भोज्य पदार्थ है तो बिना तीव्र भूख के, आपकी जठराग्नि तीव्र ना हो तो उसे पचाया नहीं जा सकता। उत्तम पदार्थ को पचने के लिए जठराग्नि का तीव्र होना अपेक्षित है। जिसका पाचन तंत्र कमजोर हो, दुर्बल हो, वो गरिष्ठ वस्तु नहीं खा सकता। और प्रेम तो गरिष्ठतम तत्व है, भगवान के रोम रोम से जो आनंद राशि उच्छलित होती है वो गरिष्ठतम तत्व है। उसको पचाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए तीव्र क्षुधा का होना आवश्यक है, तीव्र व्याकुलता जो अब बिल्व मंगल के रोम रोम से प्रकट हो रही थी। अमून्य धन्यानी दिनांतराणी हरे कदा तवालोकनंतरेण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हाहंत हाहंत कथम नयामि। भोजन कराते कराते बोले बाबा तू इन जंगलन में काय भटक रहे हो है, वृंदावन चुनाए जावे। वृंदावन विहारी के मुख से जब वृंदावन सुना, बाबा का रोम रोम हर्षित हो गया, बिल्व मंगल प्रसन्न हो गए, मानो प्रभु ने वृंदावन धाम का दर्शन करा दिया। बोले बेटा मैं क्या जानूं वृंदावन जाने का पथ? बोले बाबा चिंता मत कर, मैं ले चलूंगा, तू चाहता है। बिल्व मंगल जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, इतनी अपेक्षा प्रभु को है, क्यों नहीं ले गए सीधे? पूछा, बोले बाबा चाहता है। जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, ये जितना साधन है ये लालसा जगाने के लिए है। चाहते हैं आप प्रभु से मिलना? क्या आप चाहते हैं भजन करना, क्षमा करना? आप आत्मविश्लेषण करिए, आप पाएंगे कि वस्तुतः प्रभु से मिलन की चाह कहां है इस हृदय में। उदो मन ना भये 10-20। जो मन संसार चाहता है वो मन कैसे प्रभु को चाहेगा? जिस मन में संसार के विषय की कुत्सित कामना है वो प्रभु से मिलन की उज्जवल कामना कैसे करेगा? एक शायर कहता है, कौन है तैयार, कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे, ये इश्क का कलमाए साहब मौलवी नहीं मजनू चाहिए। व्याकुल चित्त, तीव्र व्याकुलता। बोले बाबा आप चाहते हैं चलना? हां, प्रभु को हृदय प्रिय लग गया था बिल्व मंगल का, वो आसक्त हृदय।
जिसने चिंतामणि की आसक्ति में और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन प्रेम करने की योग्यता अवश्य अर्जित कर ली। एक बार मजनू लेटा था चादर से अपना मुख ढक के, किसी ने आकर जगाया। मजनू ने कहा, कौन? आवाज आई, खुदा। मजनू ने बिना चादर हटाए कहा, अगर तू सचमुच का खुदा होता तो तू ये जानता कि मजनू लैला के अतिरिक्त किसी का मुंह नहीं देखता, मजनू लैला के अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। अगर तू सच में खुदा है तो जा, लैला होके मेरे पास आ। ऐसी ऐसी अनन्यता, ऐसी इच्छा जो बिखरी हुई ना हो। अनन्य चित्त ही चेष्टा कर सकता है वस्तुतः प्रभु को पाने की, सदी हुई चेष्टा। जिसे आज किसी बहन का प्रश्न था ना कि कैसे स्वार्थ और परमार्थ में संतुलन बिठाएं, क्या आवश्यकता है बिठाने की। ये कभी संभव नहीं होगा। स्वार्थ और परमार्थ में संतुलन बिठाने की बजाय अपने उर अंतर में भजन का बल विकसित करिए। यहां संतुलन नहीं बैठेगा। मैं कोई मन को लुभाने वाली बात क्यों कह दूं आपसे? स्वार्थ और परमार्थ में कैसे संतुलन बैठेगा? यहां संतुलन नहीं बैठेगा। आपको भजन का बल विकसित करना होगा, आपको इन्हीं प्रतिकूलताओं में से मार्ग निकालना होगा। कौन सा भक्त है जिसने अपमान नहीं झेला? कौन सी गाली है जो मीरा को नहीं पड़ी? न भूतो न भविष्यति, भरत खंड की राज्यसभा में भरतवंश की साम्राज्ञी का ऐसा अपमान। चिंतन करके देखिए, भक्तों ने क्या देकर यह भक्ति का धन पाया है। ऐसे ही क्यों मिल जाए प्रभु? कबीर कहते हैं, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। संतुलन बिठाने की मत सोचिए। आपको संतुलन बिठाना है तो फिर भगवत प्राप्ति की बात मत करिए, फिर भजन के आनंद की अपेक्षा मत करिए। भजन का आनंद चाहिए तो संतुलन बिठाने की बात भूल जाइए। भजन करिए, भजन करते करते भजन का आनंद विकसित होगा। भजन का आनंद ही भजन का बल है। आप एक समय पाएंगे ऐसा, एक समय जीवन में ऐसा आएगा जब आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी यहां से संतुलन बिठाने की। मैं जानता हूं कि आई एम टॉकिंग लिटिल इम्प्रैक्टिकल, पर मैं विवश हूं, बिकॉज लव कैन नॉट बी हैंडल्ड प्रैक्टिकली। प्रेम की बात प्रैक्टिकल होके नहीं की जा सकती। भगवत प्रेम है, नहीं तो कबीर को क्यों कहना पड़ता साहब कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। संतुलन की बात मत करिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस विद्या से अनभिज्ञ हूं। मैं तो यही बात जानता हूं, यही मानता हूं और यही आज तक समझा भी हूं कि भजन करते करते आपका मार्ग बनता है। भजन करते करते मार्ग पर चलने की समर्थ भी मिलती है। प्रभु ने पूछा, तुम चाहते हो? हां। श्री ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और जो ही प्रभु के कर कमल का स्पर्श हुआ, जिनका नाम लेने से जन्म जन्म की पाप राशि नष्ट हो जाए, जिनका नाम लेने से श्रद्धा और विश्वास के वो नेत्र खुल जाए, प्रभु ने आकर हाथ पकड़ा। बिल्व मंगल कैसे वंचित रह जाते, रोम रोम प्रकाशित हो गया प्रभु के रूप से। अगले ही क्षण बोले, बाबा मैं चला वृंदावन आ गया। जो ठाकुर जी जाने लगे, बिल्व मंगल ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा की। अंधे लोगों की पकड़ बहुत मजबूत होती है, क्योंकि क्या होता है, हम अपनी बहुत सी ऊर्जा अनावश्यक खर्च करते हैं देखकर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा खर्च होती है देखने से। इसलिए जब कोई ध्यानावस्थित होता है, जब कोई त्राटक आदि विधि से देखने का संयम प्राप्त करता है, तो उसके भीतर एक विलक्षण प्रकार की ऊर्जा का विकास होता है, एक विलक्षण प्रकार की शक्ति का विकास होता है। फिर ऐसा व्यक्ति जब धारणा युक्त होकर किसी पर दृष्टिपात करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है।
उसका जीवन बदलता है, उसका मन बदलता है। वो संत जो अपने अंतर की दृष्टि, जो ये दृष्टि का बल, दृष्टि की शक्ति प्रभु का पथ अवलोकन करने में प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि में किसी को भी कुपथ से हटाकर इस पथ का पथिक बनाने की सामर्थ्य होती है। वो ले आता है अपना दृष्टिपात करके। नैन खुल गए, प्रभु ने हाथ छुड़ा लिया, बिल्व मंगल चीत्कार कर उठे, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मो हृदय से जब जाओगे सबल बदोंगो तो। बोले हे प्रभु, यहां से तो मेरी बाह छुड़ाकर आप चल दिए। मैं दुर्बल हूं, आप सबल हैं। आप जिसकी पकड़ में आना चाहे वही तो आपको पकड़े, आप जिसके बंधन में बंधना चाहे वही तो आपको बांधे। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्य। श्रुति कहती है यमे वैश वृणते, वो जिसे वरण करता है वही उसे पाता है, वो चाहता है जिसे, वही इस प्रेम के मार्ग का राही बनता है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे, कुंठ जहां कीर्तन तेरा आपे सरधान्यावे, आपे सरधान्यावे, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवावे, सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मे, सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मे, सतगुरु दीन दया। अद्भुत निर्णय देता है कि ज्ञान की बेली बंध्या हो सकती है, निष्फल जा सकती है, ज्ञानी भूल सकता है, भटक सकता है, कर्मयोगी भी असफल हो जाता है, लेकिन भावना की बेल कभी निष्फल नहीं होती। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक क्षण में अपने एक रोम कूप में निहित अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय विलय कर सकते हैं, लेकिन एक भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। कहीं कोई पथ में बैठा हो उनका मार्ग निहारता, वो मार्ग निहारता रह जाए और प्रभु उस पथ का अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए पंथ निहारिए और प्रभु के आगमन की डगर बुहारिए, कहीं मत जाइए, कहीं मत भटकिए। इस संसार की बगिया में ये आपके जीवन का एक पुष्प विकसित हो रहा है। मैं कई बार निवेदन करता हूं, वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड एज अ रॉ मटेरियल। हमको बनाना है। ये कर्मों के धागे हमें मिले हैं, और मत उलझाइए, थोड़ा सा सुलझाइए और किसी योग्य व्यक्ति से सीख कर समझ कर एक सुंदर सा वस्त्र निर्माण कर दीजिए और दे दीजिए सदगुरु के हाथों में, जैसा कबीर ने दिया। जब मेरी चादर
बुन कर आई जब मेरी चादर बुन कर आई रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंगरेज ऐसा रंग रंगा रंगरेज लालो लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया हरि नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे किस प्रकार प्रभु लौट जाते सन्मुख हो गए श्याम सुंदर अपने कोमल कर कमलों को बिल्व मंगल के उन फूटे नेत्रों पर फिराया जो कभी श्याम सुंदर के ही दर्शन की लालसा से बिल्व मंगल ने अपने हाथों से फोड़ लिए थे। कमल की भांति खिल गए नेत्र बिल्व मंगल के। बिल्व मंगल को प्रभु ने लोक मंगल का निधान बना दिया। कृतार्थ हो गए अपने हाथ से प्रभु ने खीर का प्रसाद दिया। रस का अतिरेक रसानुभूति का अतिरेक हुआ वाणी के माध्यम से प्रकट हुआ। बिल्व मंगल ने श्री कृष्ण कर्णामृत की रचना की। आज भी ये वाणी जाने कितने रसिकों के हृदय के आह्लाद का कारण है जाने कितने रसिकों के हृदय का हार है। एक एक श्लोक एक एक भाव साकार कर देता है कृष्ण के रूप को उनके नाम को उनके माधुर्य को। हे देव हे पतित हे भुवनेक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितास्मि पदे दृशु। हे कृष्ण हे रमण हे नयनाभिराम हे देव हे दैत हे करुणेक सिंधु हे दीन बंधु करुणेक सिंधु। लेकिन बिल्व मंगल ने ग्रंथ का निर्माण किया आरंभ किया कहां से चिंतामणि जयती। सबसे पहला नाम सबसे पहला जय घोष बिल्व मंगल देते हैं चिंतामणि को। स्मरण हुआ बिल्व मंगल को चिंतामणि की कृपा का कि वही वही साधन बनी वही साधिका बनी वही निमित्र वही माध्यम वही यंत्र बनी इस जीवन की दिशा परिवर्तन का इस जीवन के दशा परिवर्तन का। आज ये रोम रोम आनंदित है प्रभु आपके कृपा प्रसाद से क्योंकि ये चिंतामणि की कृपा है। उन्नत चेताती इसीलिए जहां जहां से आपने सीखा जहां जहां से आपने पाया उस स्थान के प्रति उस मूल के प्रति उस भाव के प्रति सदा कृतज्ञ रहिए। आपने जहां से सीखा है उस भाव के प्रति कृतज्ञ रहिए झुके रहिए प्रभु प्रसन्न होंगे। पर लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए वही तो झुकना स्वीकार करेगा ना जिसका उद्देश्य वस्तुतः प्रभु की प्रसन्नता होगी। चिंतामणि बिल्व मंगल चले थे वृंदावन की ओर। चिंतामणि ने पथ लिया था उत्तर काशी की ओर। लेकिन चिंतामणि सदा अपने साथ बिल्व मंगल का एक चित्र रखती थी। जिस दिन बिल्व मंगल ने
कांटों से अपनी आंख फोड़ी। चिंतामणि जिस चित्र का संग करती थी उस चित्र की आंखों से रुधिर की धार बही थी। जिस दिन बिल्व मंगल को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ कमल वत्र पुने नेत्र खुले, उस दिन भी चिंतामणि को सूचना हो गई। चिंतामणि के मन ने जान लिया कि बिल्व मंगल पर प्रभु की कृपा हो गई है, बिल्व मंगल पर प्रभु की कृपा जान। अब चिंतामणि ने सोचा कि मुझे बिल्व मंगल के निकट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बिल्व मंगल के भटकने का भय समाप्त हो गया। अब बिल्व मंगल यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब बिल्व मंगल आत्मा राम हो गए, पूर्ण काम हो गए, तृप्त हो गए। आई चिंतामणि वृंदावन बिल्व मंगल के निकट। बिल्व मंगल ने दर्शन किया। वो बिल्व मंगल की दृष्टि जो कभी चिंतामणि के हार्ड चाम के देह में काम का सुख खोजा करती थी, आज बिल्व मंगल की दृष्टि चिंतामणि के चरणों से ऊपर नहीं जाती। चिंतामणि के चरणों पर दृष्टिपात किए बिल्व मंगल ने साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया। श्याम सुंदर नित्य प्रति खीर का दोना बिल्व मंगल को देकर जाते थे। बिल्व मंगल ने कुछ उच्छिष्टामृत देना चाहा चिंतामणि को। चिंतामणि ने कहा, कहां से आया? प्रभु ने दिया। प्रभु ने तुम्हें दिया है? यदि मुझे दिलाना चाहते हो तो प्रभु के ही हाथ से दिलाओ। चिंतामणि ने हठ पकड़ लिया। गुरु रूपा चिंतामणि की आज्ञा, इच्छा, आग्रह कुछ भी कह लीजिए। बिल्व मंगल ने गुणगान किया प्रभु का, याचना की प्रभु से, लालसा वाणी के माध्यम से प्रकट हुई, दर्शन की उत्कंठा। तुम बिन मोरी कौन खबर दे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। चिंतामणि मन में विचार करती कि क्या प्रभु आएंगे, मेरे लिए आएंगे? बिल्व मंगल ने कहा, बोले मेरा हृदय कहता है, कर्मा की प्रभु विनती पे आए, कर्मा की प्रभु विनती पे आए, नरसी का प्रभु मान बढ़ाए, नरसी का प्रभु मान बढ़ाए, आज हमारी बारी है हो, आज हमारी अर्जी है, कैसे ठुकराएंगे? संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, आज बहारें कहती है, आज बहारें कहती है कान्हा आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। और विशुद्ध हृदय की लालसा कैसे अस्वीकार करते प्रभु? सन्मुख हुए, अपने हाथ से चिंतामणि को भी कृतार्थ किया। साधु का संग येन केन प्रकारेण कैसे भी हो, उसका परिणाम एक ही है, प्रभु के चरणों का नैकट्य, प्रभु के चरणों का अनुराग। और यदि सद्भाव के संग साधु संग किया जाए तो निश्चित रूप से अंत में प्रभु के चरणों की प्राप्ति, प्रभु के चरणों का परम विश्राम। किसी ने कहीं से भी आरंभ किया हो, किसी भी मार्ग से, किसी भी द्वार से जीवन होकर आया है, लेकिन यदि भगवत कृपा से जीवन में सत्संग मिल गया, भगवत कृपा से किसी जागृत संत का संग मिल गया, तो एक बात निश्चित है, जीवन की ये नैया भव सागर के किसी भी कोने से चली हो लेकिन इसको विश्राम करुणा सिंधु के श्री चरण कमलों में ही मिलता है। इसलिए आज के दिन भी नित्य प्रति की भांति तुलसी बाबा की याचना में, उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए आप सबके
हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करते हुए वाणी को मैं विराम की ओर लेकर चलूं। बार बार वर मांगे हो हर्ष दे हो श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री वृंदावन विहरत संग नारदी बाल जय 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 श्री वृंदावन ओ यमुना नील मणिन की माल जय 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 श्री वृंदावन देव सुरस वर्षत सब का जय 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 श्री वृंदावन सखिन संग राजत जुगल किशोर जय 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 श्री वृंदावन।